हाय, MBBS के साथ एक और डिसिप्लिन है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और आप जानते हैं जिस तरीके से इंसान को डॉक्टर की जरूरत है वैसे ही जानवर को भी डॉक्टर की जरूरत होती है। और आज भारत एक ऐसा देश है जिसमें कैटल फार्मिंग और अलग अलग तरह के पशुओं के साथ हम हमेशा से रहते आए हैं, और इसलिए पशुओं की देखभाल करना हमारे लिए एक विशेष जरूरत की चीज बन जाती है। और इसी एरिया को कवर करता है मेडिकल का ये डिसिप्लिन। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ वेटरनरी डॉक्टर की, और आज हम बात करेंगे डिटेल में वेटरनरी डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल हैं प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, फीस क्या होगी, नीट में कितने कट ऑफ पे आपको ये कॉलेजेस मिल पाएंगे, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इस साल क्या कट ऑफ रह सकती है वेटरनरी की। इसलिए वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं हूँ करियर कोच, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे एक व्हाट्सएप की चैट कम्युनिटी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, इसको कनेक्ट करना ना भूलें। व्हाट्सएप पे जाएं, इस लिंक को क्लिक करें, आप ऑटोमेटिकली हमारी चैट कम्युनिटी में कनेक्ट हो जाएंगे। मगर इसमें आपको ना तो किसी दूसरे स्टूडेंट का नंबर दिखाई देगा, ना ही आपका नंबर किसी और को दिखाई देगा। इससे फायदा यह है कि आपको कंटिन्यूअसली सारे अपडेट्स नीट काउंसलिंग से रिलेटेड मिलते रहेंगे और आप रहेंगे हमेशा आगे, और ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बात करते हैं वेटरनरी साइंसेज की। इस कोर्स को बोलते हैं BVSC एंड AH, यानी कि बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। MBBS की ही तरह इस कोर्स का भी ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स होता है, और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। और आज के दिन में अगर हम बोलें तो कई स्टूडेंट्स के लिए ये आयुर्वेद और डेंटिस्ट्री से भी हायर डिमांड में होता है। स्पेशली अगर हम बात करें रूरल एरियाज, छोटे टाउन्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करना बहुत आसान होता है। आप छोटे छोटे गाँवों में, और गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो MBBS के बाद वेटनरी और आयुर्वेद की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। आयुर्वेद के बारे में हम पूरा एक वीडियो बनाने वाले हैं जो बहुत ही जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वेटनरी। वेटनरी की काउंसलिंग करेगा VCI, यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसमें 15% कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा के साथ ही नीट की काउंसलिंग होगी। वेटनरी के लिए काउंसलिंग करेगा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसकी वेबसाइट है vcicounseling.nic.in 15% कोटा के लिए। लेकिन स्टेट 85% कोटा के लिए काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी करेगा, और इस बार वेटरनरी की काउंसलिंग करता है VCI, यानी कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये काउंसलिंग होगी 15% कोटा के लिए। 15% कोटा के लिए काउंसलिंग आपकी नीट के आधार पे ही होगी, यानी नीट स्कोर पे ही होगी। और स्टेट काउंसलिंग के लिए पहले अलग से एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे जो कि स्टेट वेटनरी टेस्ट के रूप से लिया जाता था, जो कि 85% सीट्स को फिल किया करता था। अब ये भी काउंसलिंग नीट के स्कोर के आधार पे ही होगी। अब बात करते हैं कॉलेजेस की। इंडिया में वेटनरी के टोटल 54 कॉलेजेस हैं, जिसमें से 49 गवर्नमेंट हैं और 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करें इंडिया के टॉप वेटनरी कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली UP का। इसके बाद आते हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर राजस्थान, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस हिसार हरियाणा, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस पंतनगर उत्तराखंड, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर राजस्थान, और कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज नवानिया उदयपुर। इन सभी कॉलेजेस की जो फीस है वो 14,000 से लेकर 1,40,000 रुपीस के बीच में है। अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस की। तो इस श्रृंखला में टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन जयपुर राजस्थान, इसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि अकबरपुर रोहतक में है हरियाणा में, महात्मा ज्योतिबा फूले कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ये जयपुर में है, इसके बाद अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर राजस्थान, और उसके बाद खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस अमृतसर पंजाब। ज़्यादातर कॉलेजेस पंजाब हरियाणा और राजस्थान में ही हैं प्राइवेट कॉलेजेस। अब बात करते हैं इनकी फीस की। अगर आप प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस रहेगी 5,50,000 रुपीज़ से लेकर 6,50,000 रुपीज़ के बीच। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कट ऑफ जानना चाहते हैं कितने कट ऑफ तक वेटनरी मिल जाता है, तो हम लास्ट ईयर का नीट स्कोर के बेसिस पे बता रहे हैं। लास्ट ईयर वेटनरी कॉलेज मिला था जनरल कैटेगरी में 487 नंबर पे, यानी कि 93821 रैंक पे। OBC को मिला था 478 पे,
लगभग 1,01,420 रैंक पे, EWS को मिला था 486 नंबर पे, SC को मिला था 266 नंबर पे, ST 251, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिला था 139 पे और PW कैटेगरी में मिला था 139 नंबर पे। तो चलिए बात करते हैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस की कट ऑफ की। लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में 3,23,115 रैंक तक ये कॉलेज मिल गए थे। ओबीसी की बात करें तो 114 नंबर तक कॉलेज मिला था, रैंक था 8,96,737। ईडब्ल्यूएस में 283 नंबर पे मिला था, एससी में 99 नंबर पे भी मिल गया था और एसटी में 120 नंबर पे मिला था। तो यहाँ पर लोएस्ट नंबर्स तक भी आपको प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट सीट्स चाहिए तो ऑफ कोर्स आपको थोड़े से हायर स्कोर पे ही मिल पाएंगे। मैं ऑलरेडी आपके साथ कट ऑफ शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि इस साल वेटनरी की कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 500 नंबर के आसपास गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे वेटनरी के। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 490, ईडब्ल्यूएस 490, इसके अलावा एससी आपको मिल सकता है अंदाजन 280 नंबर पे, एसटी 250 नंबर पे और फिजिकली हैंडीकैप्ड 120 से लेकर 130 नंबर तक। तो ये था इस साल का स्टेटस। ऐसे ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ पेड काउंसलिंग सेशंस भी हैं जिसके माध्यम से हम आपको सारे सपोर्ट देते हैं, जिससे कि आपको काउंसलिंग में असिस्टेंस मिल सके, काउंसलिंग में आपसे कोई गलती ना हो, समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, सीट्स के मैट्रिक्स मिलते रहें, अपडेट्स मिलते रहें और कहां पर आपको लोएस्ट स्कोर पे, लोएस्ट बजट पे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, इसकी सारी जानकारी हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको देंगे। उसकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आप चैट कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये था हमारा आज का अपडेट, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।